हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षता कागाल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि नजदीक आ रही है और बहुत से लोग नवरात्रि में उपवास रखते हैं। इस उपवास में खाने के लिए मैं आपके लिए दो उछली की रेसिपी लेकर आई हूं। एक है लोबिया फली की उछली और दूसरी मूंग दाल की उछली। तो चलिए ये दोनों उछलियां कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। पहले लोबिया फली की उछली बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक कप लोबिया फली लिया है। इसे इंग्लिश में ब्लैक आइड बीन्स या कव बीन्स भी कहते हैं और कन्नड़ में इसे अलसंदे काड़ू भी बोलते हैं। इसको 3 से 4 घंटे पानी में भिगोकर रखना पड़ता है। ये लोबिया फली उछली बनाने के लिए हमें लगने वाली सामग्री है 3 टेबलस्पून तेल, 1/2 चम्मच राई, 1 चम्मच उड़द दाल, 1/2 चम्मच हींग का पाउडर, थोड़ी सी कड़ी पत्ता, 4-5 सूखी लाल मिर्ची, 1/2 चम्मच हल्दी, 3/4 कप किसा हुआ नारियल, नमक स्वाद अनुसार। ये लोबिया फली 4 घंटे भीग चुका है। अब इसमें 1 कप पानी डालकर कुकर में चढ़ाकर 1 सीटी लगा लीजिए। 1 सीटी आने के बाद गैस के फ्लेम को सिर्फ 2 मिनट के लिए लो कर दीजिए, उसके बाद ऑफ कर दीजिए। फिर मिक्सर जार में किसा हुआ नारियल और सूखी मिर्ची डालकर बिना पानी दरदरा करके पीस लीजिए। उसके बाद गैस पर एक पैन चढ़ाइए और उसमें तेल डाल दीजिए। तेल गर्म होते ही राई डालकर उसे चिटकने दीजिए। राई चिटकते ही उसमें डाल दीजिए उड़द दाल, हींग और थोड़ी सी कड़ी पत्ता और इसे थोड़ा फ्राई कर लीजिए और तड़का तैयार कर लीजिए। तड़का जब तैयार हो जाए तो इसमें डाल दीजिए हमारी पकाई हुई लोबिया फली। इसे मैंने एक स्ट्रेनर में निकाल के रखा था ताकि इसमें जो कोई एक्सेस पानी हो तो चला जाए। फिर हमें इसमें डालना है पिसा हुआ नारियल और हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। इन सभी को डालकर हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए। फिर 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाइए। 2 मिनट बाद लिड निकालकर उसमें 1/4 स्पून आमचूर पाउडर डालकर मिला लीजिए। आपकी लोबिया फली की उछली तैयार हो चुका है ना सिंपल सी उछली। उपवास के समय में लोबिया फली खाने के बहुत सारे फायदे हैं। इनमें प्रोटीन बहुत सारा होता है और आपको ये दिन भर एनर्जेटिक रखता है। साथ ही पाचन संबंधी परेशानियों को भी ये दूर करता है, कब्ज को भी दूर करता है। आपके उपवास में और आपके डाइट प्लान में इस लोबिया फली को शामिल करना मत भूलिएगा। हमारी दूसरी रेसिपी है मूंग दाल की उछली। इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री लगने वाली है देख लीजिए। मूंग दाल उछली बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप मूंग दाल। इसे भी 3 से 4 घंटे तक हमें पानी में भिगो के रखना है। इस मूंग दाल को मैंने 4 घंटा भिगो के रखा है। हमें इनमें लगने वाली सामग्रियां हैं 3 टेबलस्पून जितना तेल, 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच उड़द दाल, 1/2 चम्मच हींग का पाउडर, थोड़ी सी कड़ी पत्ता, 3-4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 कटोरी किसा हुआ नारियल, थोड़ी सी धनिया पत्ता, 1/2 चम्मच घी। मूंग दाल को मैंने पकाने के लिए गैस पर चढ़ाया है और 1 कप पानी डालकर उसके साथ 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच घी डाला है। आपको इसे धीमी आंच में ही पकाना है। इसमें कड़ची डालकर मिक्स कर लीजिए और इसे ढककर रखिए जब तक इस पानी में उबाल ना आ जाए। जब पानी में उबाल आना शुरू हो जाए तो इसके ऊपर का लिड निकाल दीजिए, वरना पानी सब उबल कर बाहर गिर जाएगा। मूंग दाल का पानी थोड़ा सूखने के बाद इसे ढककर पकाइए।
बीच बीच में देखते रहिए। पानी थोड़ा कम लगे तो 2-3 टेबलस्पून जितना पानी डालकर फिर से ढक दे। हमें मूंग दाल को ज़्यादा नहीं पकाना है। मूंग दाल थोड़ा सॉफ्ट होते ही गैस को बंद कर लीजिए। ज़्यादा पकाएंगे तो ये पेस्ट जैसा बन जाएगा। मूंग दाल को हमें तड़के के साथ भी पकाना होता है, इसीलिए हल्का सा कच्चा ही इसे निकाल दीजिए। मूंग दाल को तड़का लगाने के लिए गैस पर एक पैन चढ़ा लीजिए और उसमें 3 टेबलस्पून तेल डाल दीजिए। तेल गर्म होते ही उसमें राई डालकर उसे चिटकने दीजिए। राई चिटकते ही आधा चम्मच उड़द दाल, हींग, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल दीजिए। जब इसका तड़का तैयार हो जाए तो पकाकर रखे हुए मूंग दाल को इसमें डाल दीजिए। ऊपर से थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और किसा हुआ नारियल डालकर हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए। मैं यहाँ मूंग दाल को कड़छी से नीचे से उठाकर ऊपर की तरह छोड़ते हुए मिक्स कर रही हूँ। ऐसा तरीका अपनाते हुए मिक्स करने से मूंग दाल हो या चावल का दाना हो, टूटते नहीं हैं, पूरा का पूरा खिला हुआ रहता है। ये टिप्स मुझे मेरी सास ने दिया था, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस उछली को 2 मिनट के लिए ढककर पकाइए और ऊपर से थोड़ा धनिया पत्ता डाल दीजिए। दालों में सबसे पौष्टिक दाल है मूंग दाल। इस मूंग दाल में भी लोबिया फली जैसा ही बहुत प्रोटीन होता है। इस वजह से इसे खाने से हमारा पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है। इसीलिए आपको उपवास के समय में इन दालों का सेवन करना चाहिए। मूंग दाल की उछली भी तैयार हो चुकी है। आपको ये मेरी दोनों रेसिपियाँ कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।